अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कढ़ी पकौड़ा बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले पकौड़े बना लिए हैं, साथ में मैंने एक टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, डेढ़ टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, साथ में एक करी पत्ता, दो इलायची है मोटी, इसी तरह छोटा सा एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और कुछ लौंग है मेरे पास, हरी मिर्चें दो अदद मैंने काट ली हैं और दो ऐसी रहने दी हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिए, दो टमाटर लेके इनको मैं अच्छी तरह बारीक चॉप करूँगी और ये मसाले के साथ भुने जाएंगे। दो कप योगर्ट है, साथ में मैंने उसके बेसन लिया है, हाफ कप योगर्ट की मैं लस्सी बनाऊंगी और बेसन को मैं उसके अंदर ऐड कर लूँगी। मैंने डेढ़ गिलास पानी डाल लें, उसके अंदर मैं ये ओनियन डाल के इनको मैं गला लूँगी। इनके गलने के बाद मैं फिर इनका मसाला बनाऊँगी। प्याज गल गई है, इसके अंदर ये टमाटर जो चॉप किए हैं वो मैं डाल के तो इनको मैं ग्राइंड करूँगी। मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया है, इनकी कड़ी बन गई है और अब इसके अंदर मैं एक कप के करीब ऑयल डालूंगी। इसके अंदर ये जो करी पत्ता और ये मोटी इलायची है वो साबुत इसी तरह डाला जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाल दी, थोड़ा सा मैं हल्का सा भून के इसके अंदर फिर मैं नमक मिर्च वगैरह डालूंगी। अब इसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और अब मैं इस ग्रेवी को अच्छी तरह भूनूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर जो योगर्ट की लस्सी बनानी है और बेसन दोनों को मिक्स करके वो मैंने ऐड करना है। अगर आपके पास चाटी की लस्सी हो तो उससे बहुत ज़्यादा मज़े की कढ़ी पकौड़ा बनता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप योगर्ट की लस्सी घर में बना के तो आप उसको कर सकते हैं। योगर्ट के अंदर मैंने ये दो गिलास पानी डालना है, इसके अंदर बेसन डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इससे मुझे पानी कम लग रहा है, इसके अंदर एक गिलास और पानी जाएगा क्योंकि जब बेसन पकता है तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है, फूल जाता है और ये फिर हमारी बहुत ज़्यादा थिक कढ़ी बनेगी, इसलिए मैंने पानी इसमें तीन गिलास डाले हैं। अगर इसके बावजूद आप समझें कि कढ़ी ज़्यादा थिक हो रही है तो आप उस वक्त भी इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप मैंने क्रीम है जो मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ, ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि हमारा मसाला भून चुका है, इसलिए मैं इस मसाले के अंदर अब ये वाली लस्सी ऐड कर रही हूँ। इसको अब आपने मिक्स करना है और पकने देना है। अगर आप समझें कि इसके आपको बारीक बारीक वो जो जैसे दूध ख़राब होता है फूटी सी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ का जो योगर्ट और दूध होता है वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स डाले होते हैं तो वो समटाइम दूसरी चीज़ों के साथ ऐड होके तो वो थोड़ा सा अजीब सी शक्ल हो जाती है, तो आप इस पर घबराएं नहीं, इसके अंदर आप ग्राइंडर मार लें, बिल्कुल आपकी कढ़ी जो है ना वो सही शक्ल में रहेगी। अब मैं इसको पकने दूंगी, काफ़ी देर होगी है, मैं इसको अब चेक करूँगी। ये हमारी कढ़ी उबल रही है, इसमें वो फुट्टी टाइप चीज़ नहीं बनी। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी। जब इसकी ये थिकनेस हो तो आप इसके अंदर पकोड़े ऐड कर लें क्योंकि पकोड़े भी कढ़ी को चूसते हैं, तो फिर अगर ज़्यादा थिक होगा तो आपकी कढ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, रनी नहीं रहेगी। फिर इसमें अगर आप और पकौड़े ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको अब सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने दूंगी और इसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी।
इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची वो डालूंगी, साथ में इसके अंदर हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला इसलिए डाला है कि इसकी थोड़ी वादी जो है वो कम हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद एक दो मिनट के लिए और मैं इसको डांपूंगी, क्योंकि अभी मेरे 5 मिनट मुकम्मल नहीं हुए। हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल डालें और इसके अंदर अब मैं एक मीडियम साइज़ का ऑनियन कटा हुआ वो डाल रही हूँ। इसको मैं ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन होने पे इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे और इसके फौरन बाद हमने चूल्हा ऑफ कर देना है। मस्टर्ड सीड डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ्राई होंगे तो वो कड़वे हो जाते हैं। अब मैं ये तड़का इसके अंदर करी के अंदर ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सी बहुत नाइस सी खुशबू है इसकी। इसको चाहें तो आप मिक्स भी कर लें या फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ढाँप दें।